उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में 27 महीने गुजारने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को जमानत पर रिहा हो गए। आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले ही उनके दोनों बेटों शिवपाल यादव और तमाम समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सीतापुर में सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान के बाद आजम खान रामपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन अब 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका आमना सामना हो सकता है। सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से निकलते ही भले रामपुर के लिए चले गए हों, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 दिन बाद आमना सामना होगा। आजम खान जेल से ऐसे समय बाहर आए हैं जब सूबे में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को पेश करेगी। विधायक होने के नाते आजम खान बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए सूबे के विधानसभा सदन पहुंचते हैं तो सीएम योगी से उनका आमना सामना जरूर होगा। हालांकि आजम खान को उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर विधायक पद की शपथ लेनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने मार्च में सीतापुर जेल में रहते हुए आजम खान को विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं तो निश्चित तौर पर विधायक पद की शपथ और बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। आजम खान जेल से ऐसे समय बाहर आए हैं जब 3 दिन के बाद विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में देखना है कि विधानसभा सत्र में आजम खान हिस्सा लेने के लिए जाते हैं या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आमना सामना होता है तो रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि 5 साल में दोनों ही नेताओं के बीच सियासी अदावत काफी गहरी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो 27 महीने की अपनी पीड़ा को सदन के पटल पर रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।